ना तो हमें नींद आ रही है, ना ही खाना पीना खाया जा रहा है, ऊपर मेंटली डिप्रेस हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। कि हर एक दिन रात को न्यूज आती है, हर एक दिन ये बिल्डिंग गिर गया, ये दहशत के माहौल में काफ़ी जी रहा हूँ। बताया गया कि आप इसको खाली कर दीजिए एहतियातन, क्योंकि बिल्डिंग गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। हादसे की ये तस्वीर मंगलवार की है। मंगलवार को ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में दो इमारतें ध्वस्त हो गई थी। इस हादसे में 9 लोगों की जान गई। अगले दिन ही एक बिल्डिंग के टेढ़ी होने पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में पूरी इमारत को खाली करा दिया गया। अब सामने आया है कि ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी इलाके में एक दो नहीं बल्कि कई इमारतें खतरनाक है। ये खतरनाक इमारतें कभी भी इस बाशिंदे के लिए कब्रगाह बन सकती हैं। इन्हें नियम कायदों को दरकिनार कर खड़ी की गई हैं। अब इन इमारतों पर चलेगा नियम और कायदों का हथौड़ा। अवैध इमारतों को 7 दिन में गिराने का निर्देश। अवैध तरीके से खड़ी इमारतों पर चिपकाया गया नोटिस। नजरअंदाज करने पर अथॉरिटी खुद अवैध इमारतों को गिराएगी। अब शाहबेरी समेत ग्रेटर नोएडा के अलग अलग हिस्सों में कुकुरमुत्ते की तरह खड़ी इमारतों पर कार्रवाई के फैसले से इन फ्लैटों में रहने वाले परिवारों की नींद गायब है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब परिवार को लेकर कहां जाएं। एक तो हमारा जो बैंकों से कर्ज है, हमारा जो पैसा इसमें लगा वो रिएम्बर्स करे, हमारा पैसा हमें दे, हमें कहीं शिफ्ट करने का इंतजाम करे। अब हम अपने बच्चों को लेकर सड़क पर जाएं, कहां रहें, ये नहीं समझ में आ रहा। और एक इस बिल्डिंग को गिराने का नोटिस भी इसके बिल्डिंग पे लगा दिया है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये बिल्डिंग गिर जाएगी तो हमारा घर कहाँ रहेगा, हमारे पैसे कौन देगा, हम कहाँ रहेंगे, हम क्यों इतने दर दर भटकेंगे जब हमने इसमें पैसा अपना लगा दिया है। तो लोग खाली करके जा रहे हैं, कब आएंगे, कैसे रहेंगे, किसी का कुछ है, किसी के बच्चों का एडमिशन है, स्कूल जाना है, किसी को कुछ, कैसे लोग रहेंगे। सवालों में सिर्फ लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले बिल्डर ही नहीं है, अथॉरिटी के कई बाबू भी हैं। बिना इजाजत के 5-5 माले ऊंची इमारतों का खड़ा होना एक साथ कई सवालों को जन्म देता है। मसलन, कैसे खड़ी हुई अवैध इमारतें, किसकी इजाजत से बनी 5-6 मंजिला इमारतें, क्या बिना नक्शा पास हुए इमारतों का निर्माण हुआ, नक्शा पास कराए बगैर निर्माण पर प्रशासन चुप क्यों रहा, क्या नियम कायदों को ताक पर रखकर कोई कहीं भी बिल्डिंग बना सकता है, अवैध निर्माण पर नजर रखने वाली सरकारी एजेंसियां कहां सोई हुई थी, क्या एनसीआर में बिल्डरों और अफसरों की मिलीभगत चल रही है। सवाल ये भी है कि अब फ्लैट के मालिक कहां जाएं, क्या करें, घर पर लोन है और अब घर पर हथौड़ा चलने का खतरा भी। गाजियाबाद से पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।